एसी का रिपेयरिंग, एसी का रिपेयरिंग करके आपने कितना कमा सकते हैं? आपके माइंड में आएगा भाई क्या ये क्वेश्चन आजकल? देखिए, आज अगर एक ही पर्सन में एसी का रिपेयरिंग करेगा, एक सर्विस चार्ज लेकर तो 500 लेता है, राइट? तो दिन में वो करीबन 3-4 सर्विस कर लेता है। कितना? 3-4 सर्विस, मान के चलिए 4 सर्विस वो कर लेता है, तो दिन का कितना कमाया? 2,000 रुपये कमा रहा है, राइट? तो महीने का कितना हो रहा है? 60,000 रुपये, वो सिर्फ कैलकुलेटर, ठीक है ना? तो रोज़ एसी का सर्विस नहीं मिलेगा और रोज़ अपना क्या कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे सर्विस कराने के लिए। तो फ्रेंड, आज का स्पेशल क्वेश्चन मेरे लिए था, एक स्पेशल टास्क था, सर मुझे कुछ ऐसा मुझे आइडिया दीजिए, मैं कस्टमर का नीड को समझ सकूं और अपना बिजनेस को अच्छा तरह से अपने एरिया में फैला सकूं। यस, हाय, दिस इज राज द बिजनेस एडवाइजर एंड मार्केटिंग ट्रेनर। फ्रेंड, मुझे इस तरह क्वेश्चन जब आता है ना, मुझे थोड़ा अलग लगता है। मतलब देखिए, आप एसी का शोरूम है आपका, आपने 10 साल 12 साल 5 साल 2 साल कुछ भी, आपने कुछ भी ड्यूरेशन में अपना काम चला रहे हैं, फिर भी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। अगर क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड, आपके लिए मैं आंसर आज देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आपका खुद का एसी का शोरूम है या खुद का एक एसी का सर्विस सेंटर है, आपने सोच रहे हैं रोज आता नहीं है, अगर रोज आता नहीं है रोज लाइए, सीधा बात बोस। आपने अगर सोच रहे आपके पास कस्टमर आए और सर्विस कराए, तो उसके लिए क्या किया जाए, मैं बता रहा हूं, सुनिए। पहले आपने लिस्टिंग कीजिए कितना कस्टमर आपके पास है फिलहाल के लिए। क्या करेंगे पहले? पहले लिस्टिंग कीजिए आपने कितना कस्टमर आपके पास है फिलहाल। लिस्टिंग कर दिए 50, 60, 100, 200, 500, राइट? लिस्टिंग करने के बाद आप उनको कॉल करके फॉलोअप करते हैं कभी? सर कैसा चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कैसा हाल है, कभी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो कस्टमर आपको पहचाने कैसे? क्योंकि दोस्त, मैं जितना जानता हूँ, कस्टमर किसी का नहीं होते हैं। अगर कस्टमर किसी का नहीं होते, आपके कैसे होंगे? अगर आपने कस्टमर को पूछेंगे तो कस्टमर आपको पूछेगा, अगर कस्टमर आप कस्टमर को नहीं पूछेंगे तो कस्टमर आपसे नहीं पूछेगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है, आप जिस कस्टमर, जितना सारे कस्टमर है उनका पहले लिस्ट कीजिए, उनको हर रोज एक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, कुछ भी अपना मैसेज सेंड किया कीजिए। पहला जरूरी है मार्केटिंग का जो फंडा बता रहा हूँ फ्रेंड, आपका बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसलिए आधे अधूरे में बीच में छोड़कर मत जाइए। जा रहे हैं तो पछताएंगे, क्योंकि ये आइडिया सभी जगह में काम कर सकता है। मैं जो बता रहा हूँ, पूरा आइडिया दे रहा हूँ, बिजनेस कैसे किया जाएगा, बिजनेस क्या बिजनेस किया जाएगा, वो नहीं, कैसे बिजनेस को किया जाएगा, वो सारे आइडिया बता रहा हूँ। इसीलिए आइडिया, बिजनेस आइडिया लेना अलग है, बिजनेस करने का आइडिया लेना अलग है, दोनों अलग अलग है। आपने बिजनेस करने का सोच लिया कि मुझे एसी का सर्विस सेंटर करना है, बाकी एसी का सर्विस सेंटर को चलाएंगे कैसे और ऐसे क्या करेंगे, आपके साथ कस्टमर रहेंगे, आपके लिए रोज कुछ ना कुछ काम मिलेगा, तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आप पहला क्या करना पड़ेगा, कस्टमर का लिस्ट करना पड़ेगा, लिस्ट करने के बाद उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी न्यू ईयर, जो चीज़ें आते हैं उनको थोड़ा बहुत मैसेज कीजिए। इसके बीचों बीच आप थोड़ा से उनको ऐसे ही मैसेज कर सकते हैं, सर आपका अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, एसी का सर्विस का टाइम हो गया, आप सर्विस करा दीजिए। फॉलो, बस ये होता है फॉलोअप, ये होता है मैनेजमेंट, कस्टमर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इतना अगर करते हैं तो आप देखेंगे आपका कस्टमर आपके हाथ में रहेंगे। जैसे 500 कस्टमर, जो कस्टमर आपके हाथ में रहते हैं वही कस्टमर और कस्टमर आपको दिलाएंगे। रेफर में बिजनेस होगा, बिजनेस में एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है। ये जो बिजनेस है सर्विस सेक्टर में, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है। अगर एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो अपना गूगल में लिस्टिंग कीजिए, पहला गूगल में लिस्टिंग कीजिए। अगर थोड़ा और ज़्यादा कस्टमर चाहिए तो फेसबुक में ऐड दे दीजिए। फेसबुक और गूगल आपका बोलते रहे एक बैकबोन बन जाएगा, आपका एक मार्केटिंग का जरिया बन जाएगा, और सबसे बढ़िया जरिया है आपने कस्टमर जो सर्विस देते हैं वो कस्टमर ही आपका
मार्केटिंग का जरिया बनेंगे अगर कस्टमर को सही ढंग के सर्विस देते, सही ढंग से फॉलोअप करते हैं। तो अगर नहीं करते तो आपका कस्टमर आपके हाथ में रहने वाला नहीं है, आप फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, आपका बिजनेस ऐसे स्टॉप हो जाएगा। अगर फ्रेंड आप भी सीखना चाहते हैं मार्केटिंग कैसे किया जाएगा, बी टू बी मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग सीक्रेट क्या है, तो द एडवाइजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर कर दिए तो वहाँ पर मार्केटिंग सीक्रेट और इसके साथ बी टू बी मार्केटिंग का पूरा कोर्स वहाँ पर बना के रखे हैं, आप जाकर वहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। एक ही जगह में मत रहिए, 500 कस्टमर 200 कस्टमर से ऐसा नहीं है, अगर उससे बड़ा करना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए, आपको वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगा सीखने के लिए। ओके फ्रेंड, इस चीज़ को कीजिए, करने के बाद ही आपको कुछ क्या एक्स्ट्रा आएगा। अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसीलिए बात को ध्यान में रखे हुए इस चीज़ को कीजिए, फॉलोअप कीजिए कस्टमर को किसी भी तरह पे, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, कुछ ना कुछ फॉलोअप कीजिए, देखेंगे मज़ा आ जाएगा, आपसे कस्टमर जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ लाइव मुझसे बात करना चाहते हैं तो चैट सेक्शन में जाकर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ क्वेरी रहता है तो मुझे पूछ सकते हैं मार्केटिंग रिगार्डिंग। फ्रेंड ये आइडिया आपको कैसा लगा, ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपके बिजनेस का आइडिया भी मैं आपको देने वाला हूँ, आपका बिजनेस कैसे चलाएंगे और आपने कैसे अपना बिजनेस को ग्रो करेंगे और कस्टमर को आप कैसे अटैच रखेंगे आपके बिजनेस के साथ, तो इसका आइडिया भी मैं आपको देने वाला हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है तो फॉलो कीजिए मुझे। और इसके साथ फ्रेंड अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ जाते आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करते जाइए। ओके थैंक यू वेरी मच।